शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बैठिए मत, इस हालत में आप बैठ रही, चलिए लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। अरे बाप रे, डंडा नीचे, सुनना पड़ेगा। मारता मारता ये तो आपका आखिरी महीना चल रहा है और आप ऐसे मटक के आ रही हैं जैसे कुंवारी है। शू बात कर रही थी डॉक्टर, ना मैं पेट से है और ना मैं औरत है। तो फिर ये क्या है? तो छोकड़ी छो भी कुंवारी। ठीक है, मगर तकलीफ क्या है? तकलीफ तो ये है कि कोई मेरे को तकलीफ ही नहीं देता है। अरे ये क्या तकलीफ हुई? ओ डॉक्टर, मारा जिंदगी में ट्रेजेडी ट्रेजेडी छे। बेचारी बेचारी नहीं, बीमारी। बीमारी क्या? बीमारी क्या? बीमारी जब भी मैं किसी आदमी को देखता है तो मारा दिल नी गंदी वागवा लागे छे, जोर जोर थी। क्या बचती है? गंदी गंदी गंदी, समझ गया। क्या करूं डॉक्टर, नाड़ी चूहा। अच्छा ये नाड़ी ना, ये नाड़ी ना। नहीं, 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 ये नाड़ी 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 चोकड़ी हूँ ना। एक दिन मारा जिंदगी में एक बूढ़ा आया था, उसको देखकर भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी। बुढ़े को देखकर भी दिल की घंटी वागवा लगी? मुझे देख के तुम्हारे दिल की घंटी वागवा नहीं लगी। डॉक्टर पेशेंट के बीच में बोला तो तुम्हारी भी वागवा वागवा कर दूंगा। यस प्लीज। फिर डॉक्टर, मारा जिंदगी में एक जवान आदमी आया था, फिर उसको देख के भी मारी दिल की घंटी वागवा लगी थी। वेरी गुड। लेकिन वो दोनों मर्द को मेरे पर बिल्कुल दया नहीं आया। वो दोनों मेरे को छोड़ के चला गया। क्या करके? छोड़ के। तुम एक काम करो डॉक्टर। क्या काम? तुम मेरा नसबंदी कर दो। माय गॉड, नसबंदी? मेजर ऑपरेशन, डेफिनेटली। तुम मेरा दिल का गंदी काट देगा तो मेरा सारा अरमान कट जाएगा, फिर किसी भी आदमी को देखकर मारा दिल नहीं गंदी ना वागे। नहीं 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 नहीं, तुम कैसी निराशावादी बातें करती हो? अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, नाजुक हो, स्वीट 16 हो, इतनी जल्दी घंटी मत कटवाओ। सुनो, एक काम करो, मैं तुमको एक दवा देता हूँ, जिस मर्द को भी खिलाओगी उसकी घंटी अपने आप वागवा लेगी, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। रियली? अरे रियली क्या, मैंने कितनों की घंटी वागवाई है? You see my mixture. Hold on. मुझे देख के अब घंटी बजी? नहीं, जंग लग गया है। इसको भी देखकर मारी दिल्ली घंटी वागवा लगे छे। डॉक्टर भी हैंडसम छे, दवाई तो ये बना रहा है। हाँ, क्यों ना मैं ये दवाई इसी को पिला दूं? ये रहा शर्तिया मर्द की घंटी बजाने वाला मिक्सचर, 21 साल का फॉर्मूला। जिस मर्द ने इसको पिया उसकी बजी। अरे ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? पहला डॉक्टर धत्तू, मेरे सपनों की रानी बेला, कहाँ है तू? नहीं छोड़ूंगा बेला, कब से हूँ मैं अकेला? मेरे सपनों की रानी बेला, ओ मेरी बुलबुल, मेरी बुलबुल बेला, मैं क्यों रहा तुझ भी ना अकेला? बेला चल, बेला चल, चलो तू मुझे ले चल। मैं बेला, मैं दीवाना। डॉक्टर साहब, बाबा शेर साहब, डॉक्टर साहब, ये शादी नहीं खुदकुशी है, आप हत्या। आजा 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 आजा, यहाँ बैठ। देख, बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि शादी के बाद जीवन कैसे बिताया जाता है, बाद में पछताते हैं। मुझको ये लफड़ाने चाहिए, तो अपन पहले इसकी रिहर्सल कर लेते हैं। तो बता, शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी? घर चलाऊंगी। घर नहीं तो क्या अनाथ आश्रम चलाएगी? ये तो मुझको मालूम है। घर कैसे चलाएगी? उधार लेके चलाऊंगी। सारा देश इस वक्त यही कर रहा है, तू कर लेगी तो कौन सी नई बात करेगी? नहीं नहीं, सुबह उठकर तू क्या करेगी? ले पकड़। अंगड़ाई लूंगी। अंगड़ाई लेगी, जमहाई लेगी, सब कुछ करेगी, उससे मुझे क्या लेना देना? काम की बात बोल।
सुबह उठ के मैं भगवान को प्रणाम करूंगी। मतलब मुझको छोड़ देगी? क्यों? अरे बेवकूफी के फूल की पत्ती, पति शादी के बाद परमेश्वर होता है, सबसे पहले तुम मुझको प्रणाम करना। हाँ, समझ गई। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद जब तक तुम नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना नहीं खाऊंगी, मगर मेरे आने के बाद मुझे तो खाना खिलाएगी ना? हाँ हाँ जरूर। चल यहाँ तक तो सब ठीक है, अब असली बात बता। रात को क्या करेगी? रात को मैं तुम्हारे हाथ से पेट भर के खाना खाऊंगी। फकीरों के खानदान की लड़की से पाला पड़ा, हर बात में खाना घुसेड़ देती है। अरे खाना खाने के बाद क्या करेगी? सो जाऊंगी। ये भी कोई जिंदगी है? सो जाऊंगी। तो फिर तू ही बता क्या करना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। समझाता हूँ, अपन एक नाटक करते हैं। मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत। तू कौन है? मैं मर्द हूँ। और मैं कौन हूँ? मेरी औरत। शाम को थका मांदा पति घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है, तो वो उसको कैसे बुलाएगा? अरे ओ हरामजादी चुड़ैल, उधर क्या फुसला मार के बैठी है, इधर आ। देखती नहीं मैं थका मांदा आया हूँ? हाय राम, कितने थके मांदे लग रहे हैं, शरीर से भी चर चर की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कौन सा काम करके आए हो जी? ऐसा क्यों पूछ रही है, खाना पकाया या नहीं? कल की बासी खिचड़ी है, परसों की दाल पड़ी है, ज्यादा खराब नहीं हुई, पड़ोस का कुत्ता उसने मुंह मार के गया है, कहो तो गरम करके ला दूं? शर्म, छोरी इधर आ। तू मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ? शर्म शादी कोई काम नहीं करती। मियां बेचारा थका मांदा घर आया है, न खाना पकाया, न खाना खिलाया, न बिस्तर बिछाया। चलो उठ उठ, पत्ती बंद कर और इधर आके जरा मेरे पैर दबा। चल। अरे ये गधे के लाश, हट। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे हट हट। अरे मेरे को क्यों मारा ये? उधर मार गधे को। इतने साल हो गए मेरे सेठ की शादी को, एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पांव इस तरह नहीं दबाए। नालायक को प्यार करना ही नहीं आता ना, सिर्फ मिलावट करना जानता है। मक्खी चूस, कंजूस, उल्लू का पट्टा, जला हुआ करेला, गला हुआ केला, खड़ी चोटी वाला सड़ा हुआ पिलपिला खरबूजा। तीर्थ यात्रा पे गया है दुराचारी, पापी, सड़ा हुआ कद्दू, साला। सड़ा हुआ कद्दू, मुझे बीवी के पैर दबाने नहीं आते, मुझे मिलावट करना आता। मारो तुम्हारे में। अरे उसे क्यों मारा? अरे अरे उसे भागने क्यों दिया? हरामी को पटक पटक के मारना चाहिए था, भागने क्यों दिया? वाह, 50वीं। अरे यार मगन लाल जी, एक बात बताओ जी। डिस्पेंसरी 10 बजे शुरू होती है, yes. और तुम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई करने की बजाय मक्खियां क्यों मारते हो? सर ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। बिजनेस जी? मक्खियों से क्या बिजनेस हो सकता है? अरे सर 5 पैसे की एक मक्खी बिकती है। हाँ ये देखिए 10 रुपए का माल इकट्ठा हो गया। मैं केक खा रहा हूँ, मक्खियां पास ला रहा। सॉरी, ये मक्खियां खरीदता कौन है? ये सामने बेकरी वाला। मक्खियों का बेकरी वाला क्या करता है यार? सर बम्बई में किशमिश तो मिलता नहीं, इसलिए मक्खियों को शक्कर के पानी में डुबोकर केक के ऊपर लगा देते हैं, ताकि केक खाने वाला मक्खियों को किशमिश समझ के खा जाए। कितनी बड़ी 400 बीसी करते हैं। बिल्कुल। मेरे लिए केक कभी उस बेकरी से मत लाना। सर ये जो केक आप खा रहे हैं ये उसी बेकरी का है। अच्छा अच्छा। सत्यमेव जयते डॉक्टर साहब। आइए आइए आइए। अरे कितनी बार है, क्या बात है? मेरा नाम झोकुमल मखमल प्यारेलाल है। अच्छा अच्छा, ये आपका अकेले का नाम है कि पूरे खानदान का? मेरे अकेले का नाम है। मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है इस शहर में कि तुम बेइलाज का ऐसा इलाज करते हो कि वो लाइलाज हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम मेरा इलाज कर दो। हंसने की बीमारी है क्या? मुझे हंसने की बीमारी नहीं है, मुझे सच बोलने की बीमारी है। सच बोलने की बीमारी? ये तो नहीं है। अभी पिछले हफ्ते डॉक्टर साहब मैं एक लड़की के साथ तो घर गया, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो मैंने सच सच बता दिया कि मैं एक लड़की के साथ, तो मेरी बीवी ने मेरी
वो पिछले एक हफ्ते से मेरे पीछे डाइवोर्स के पेपर लेके घूम रही है, मैं उसे घुमा रहा हूँ। मैंने ऑफिस के अकाउंट में गफला किया, मेरे बाप ने पूछा कि लाख रुपया कहाँ गया, तो मैंने सच सच बता दिया कि जुए में और लड़की के पीछे खर्च हो गया। तो वहाँ भी जूते पड़े। आप चाहते क्या है, मैं क्या करूँ? हाँ तो डॉक्टर साहब, आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं सच बोलना छोड़ दूं। जी मगनलाल, इधर आओ। तुम कहाँ गए थे? जी वो डिलीवरी देने मक्खियों की। ओफ, कल से मैं इडली सांभर खाऊंगा, केक नहीं। सॉरी, वो पिछली बार एक पेशेंट आया था, मेहता। हाँ हाँ, वो जो एक कसम के साथ सौ झूठ बोलता था, वही मेहता। झूठ बोलते बोलते मर गया। मर गया है ना, तो हमने उसके शरीर से झूठ बोलने के कीड़े निकाले थे। हाँ, वो फ्रिज में पड़े अकड़ रहे हैं। अकड़ रहे ना जी। उन कीड़ों को एक इंजेक्शन में भर कर ले आओ, इनको लगाना है। हाँ जी, देखिए प्यारे लाल जी। प्यारे लाल नहीं, झोंकुमल मखमल प्यारे लाल है। अरे मखमल खटमल कुछ नहीं, प्यारे लाल बोलो, टाइम नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, ये इंजेक्शन लगाने के 200 रुपए लगेंगे, आप तैयार हैं? 200 रुपया देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब, खाली मुझे सच बोलने की बीमारी से बचा लो। अभी हंसते हंसते वहाँ लेट जाइए, फीस को भूलना मत। लीजिए सर, झूठ के कीड़े। ये ए भाई, वो 200 रुपया याद है ना? हाँ याद है डॉक्टर साहब, आप इंजेक्शन तो लगाइए। तो कूला ऊंचा करो। ये लो। ये कूला है कि पहाड़ है? पूरी पी गया, पूरी पी गया। प्यारे लाल जी, 200 रुपए निकालिए। काहे के 200 रुपए? अरे वो 200 रुपए जो तय हुए थे, निकालो निकालो। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? इंजेक्शन देने से पहले 2 रुपया तय हुआ था, मतलब 200 पैसा, 200 रुपया नहीं। अरे वाह, ये झूठ का इंजेक्शन लगते ही झूठ का पहला बार हम पर। 200 रुपया निकालो निकालो निकालो। पलट गया, आवाज नहीं मांगता है, नहीं तो पुलिस को बुलवा कर दोनों को चीटिंग केस में अंदर करवा दूंगा। बदल गया समझे, झूठ है मक्कार कहीं के। मांगता है तो 2 रुपया ले लो। अरे हम भिखारी हैं क्या? तो और क्या है, इसकी हंसी कहाँ गायब हो गई साले की? सर लगता है आपने झूठ का इसको ओवरडोज दे दिया। टेलीफोन, घर में 8 रुपए का पड़ा और 2 रुपए दे के चला गया। अरे खड़े राम, खड़े राम, ये भैंस इधर को क्यों लाया है? मिस राधा और मिस दूधवानी, आप लोगन को शक है ना कि हम दूध में पानी मिलाते हैं? बिल्कुल। इसलिए हम भैंस को आपके सामने दोहने के लिए लाए हैं। अरे खड़ा राम, ये भैंस के आगे बीड़ी बजाना तो सुना था, लेकिन ये पहली बार भैंस के आगे डिस्को म्यूजिक का प्रोग्राम हो रहा है बाबा। अजी बात ये है कि जहाँ हमारा तबेला है ना, पास में ही एक डिस्को है, तो 24 घंटे उसमें म्यूजिक बजता रहता है और ये सुनती रहती है। हाँ, और अगर डिस्को म्यूजिक बंद कर देना तो ये दूध देना भी बंद कर देगी। क्या बात करता है। अरे और तो और, इसको हमको रोज शाम को पड़ोसी के घर ले जाना पड़ता है। वो क्यों? टीवी का प्रोग्राम देखने के लिए, और दूरदर्शन के समाचार भी बड़े मजे से देखती है। है क्या तुम? अरे इतना ही नहीं, इलेक्शन का जब टाइम आया तो ये वोट देने की जिद कर रही थी। हमने बहुत समझाया कि देखो भैंस रानी, अभी भैंसों को वोट देने का जमाना नहीं आया, जब आएगा तो देना, तब जाके समझी। ऐसी है हमारी रामवती। और अब तो पोजीशन ये है कि अगर डिस्को म्यूजिक बंद कर देना तो ये दूध देना भी बंद कर दे। और ये याद आए, इसके पहले कि म्यूजिक खत्म हो जाए हम जरा दूध धो ले। मुझे लगता है हम बेचारे पर यूं ही शक करते हैं। अगर ये बेईमान होता तो थोड़े ही हमारे सामने दूध दोहता। मुझे लगता है हमारा लैक्टोमीटर दूध चेक करने का आला ही खराब है। अजय, अजय, मचल रही है। अब खुद ही देख लो, जहाँ डिस्को म्यूजिक बंद हुआ उसने दूध देना भी बंद कर दिया। हाँ, ये लो दूध,
और डेट कहती हो। अब तो मन में शंका नहीं है ना? नहीं नहीं। अरे गरीब आदमी की सराफत पे शक मत किया करो, पाप लगेगा। आकाशवाणी की बड़ी बहन दूधवाणी, अब हम चलते हैं। राम राम। What? तुम्हारा हस्बैंड कुत्ते की तरह भौंकता है? ओह, और तुम्हारा कुत्ता मुंह में बैग उठाकर ऑफिस को चला जाता है? Oh my God, darling, this is very serious. Very interesting. Don't bother. Hello, कौन? Mrs. भंडारी। हाँ हाँ, उस दिन आप अपने पति और कुत्ते को एक साथ लेकर आई थी कि दोनों की तबीयत खराब है और जल्दबाजी में मेरे कंपाउंडर ने आपके पति को कुत्ते का और कुत्ते को पति का इंजेक्शन लगा दिया था। हाँ हाँ, इसलिए मैंने उस कंपाउंडर को निकाल दिया और आजकल मैं इडली सांभर खाता हूँ। केक खाना छोड़ दिया, उसमें वो मक्खियाँ डाला करता था। पार्ट टाइम बिजनेस था जी उसका। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो नहीं है, अब मेरी डार्लिंग कंपाउंडर है। हाँ, आप एक काम कीजिए, अपने पति और कुत्ते दोनों को एक साथ यहाँ ले आइए, तो मैं आपके पति में से कुत्तापन और कुत्ते में से पतिपन निकाल दूंगा। हाँ, ये तो भाई आप तक खेल डॉक्टर। खाओ डार्लिंग, खाओ। डॉक्टर साहब। अरे माफ करो बाबा, छुट्टा नहीं है, मरीज तो आते नहीं, भिखारी चले आते हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ, आपका मरीज हूँ। मरीज हो? कब इलाज करवाया था? एक महीने पहले। कमाल है, अभी तक जिंदा। वेरी लकी, वेरी लकी। क्या इलाज करवाया था? आपसे झूठ बोलने का इंजेक्शन लगवाया था। ओह, याद आया, 200 रुपए की जगह झूठ बोलकर 2 रुपए देकर खिसक गए थे तुम। डॉक्टर साहब, अब तो मेरी हालत खिसक के रह गई है। आपसे इंजेक्शन लगवाने के बाद इतना झूठ बोलना शुरू कर दिया कि आधा शहर मेरे पीछे डंडा लेके भाग रहा है। मेरे जान के पर गए लाले, अब तो तू ही बचा ले। डॉक्टर साहब, आज का एक किस्सा सुनिए हिजड़ों का। पैसे की लालच में आके हिजड़ों के झगड़े में कोर्ट में गवाही देने चला गया। गवाही तो देनी थी सच की, लेकिन जज साहब के सामने झूठ बोल दिया। एक हिजड़े ने औरत का बलात्कार किया। बलात्कार शब्द सुनते ही हिजड़े की जमात गुस्से में आ गई। जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला तो सब हिजड़ों ने अपने घाघरे हिला हिला कर मुझे इतनी लाते मारी कि सीधा आपके दवाखाने में आके गिरा। डॉक्टर साहब, मुझे झूठ से बचा लीजिए, मुझे सच का इंजेक्शन लगा दीजिए जल्दी से, प्लीज। समझ गया, आप पकड़ने आया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। 400 रुपए निकालो। 400 रुपया? जी हाँ, 200 रुपया पिछली बार और 200 रुपया अभी सच का इंजेक्शन लगाने का। निकालो। वो तो दूंगा, आप इंजेक्शन तो लगाइए। नहीं देगा तो हवा आने दे, खिसक ये लीजिए। एक, दो, तीन, चार। कड़क कड़क, चलो रोते रोते लेट जाओ। डार्लिंग, ये रहा सच बोलने का इंजेक्शन। थैंक यू डार्लिंग, इसके कूले बड़े हो गए ना, जरा देख रहा हूँ। ये है। चल रोते रोते कूला ऊंचा कर, पहाड़ को नीचे कर। ए ए ए ए वन ए टू ए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये धुआं कहाँ से निकला था? ये तो हमारे सच बोलने वाले इंजेक्शन का कमाल है, सारे कीड़े झूठ के चल के निकल गए, भूत भाग गया, अब तुम सच बोलने लगोगे। कितना हंसता है डॉक्टर साहब, एक सच मेरे पेट में उबल रहा है। उबालो, निकालो। मैंने जो आपको 100-100 के 4 नोट दिए ना, ये कड़क कड़क, ये सब जाली है। लुच्चा चढ़िया दूध वाला इतना पतला दूध बेचता है, अरे इससे ज्यादा गाढ़ा तो पानी है। 1 महीने से बेवकूफ बनाता है और फिर भैंस लेके आ गया, किसको भैंस? अरे मिस दूधवानी, अभी आपकी आंखों के सामने हमने भैंस को धुआ है और दूध निकाल के दिया है, फिर भी आप कहती हैं कि दूध पतला है। भैंस तो उस दिन भी धोया था और शैनी लगाकर चला गया, आज फिर धोया है, लेकिन आज हमारा लड़की लोग ने मेड इन हांगकांग का मीटर से चेक किया है, दूध पतला है, पानी है इसमें। कहीं तुम्हारा भैंस उल्लास नगर का तो नहीं है? उल्लास नगर का? अजी उल्लास नगर तो इतना दूर है, हमारी भैंस वहाँ से यहाँ कैसे आएगी? दरअसल बात क्या है दूधनी जी, मतलब दूधवानी जी,
ये आजकल गर्मी बहुत है ना, तो हमारी भैंस ससुरी दिन भर पानी में घुसी रहती, और भैंस का चमड़ा कपड़े की तरह पानी को चूसता है, और पेट के पतीले में जहाँ पर दूध जमा है मिलाकर उसको पतला बना देता है। इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? ऐसा बाहर का पानी तेरे भैंस का पेट में घुस जाता है, और भैंसों की तरह तेरा भैंस क्या वाटर प्रूफ नहीं है? सारा चरिया मुँह कुत्तो बिलो हमको बेवकूफ बनाता है, बहुत देखे तेरे। अरे क्या करती हो दूध वानी जी, देखा हमारे दूध की ताकत, ये हाथ है कि बिजली का खंबा? साधु बकबक नहीं करना, आज तक जितना तेरा दूध पिया है नी भैंस का, हाँ हाँ भैंस का जितना दूध पिया है नी उसका आधा पैसा निकाल। आधा? हाँ हाँ आधा। अरे बाबा मैंने तो पूरा पैसा भरा है नी, और दूध पिया है तुम्हारा आधा आधा नल का पानी, अब जल्दी से पैसे निकाल तो तेरे को चमड़े में से निकाल देगी, जल्दी कर। अरे कहाँ से निकाल दे, खा पी के हजम हो गया, उसको पेट में से कैसे और कहाँ से निकाल सकते हैं? अगर हम आपसे कहें कि आज तक जितना दूध पिया है उसको बाहर निकाल दीजिए, तो क्या इस टैंकर से दूध को वापस निकाल सकते हैं? अपना गलती मानता है नहीं, हुज्जत करता है। अरे ये क्या कर दिया लानत। एक्सक्यूज मी मिस दूधवानी, आपने इसे इतनी जोर से डांटा और मारा कि इस बेचारे का डर के मारे निकल गया। I'm sorry, लेकिन ये तुम क्या किया, हमारा फ्लोर गंदा कर दिया, हमारे ऑफिस को टॉयलेट बना दिया। इसमें हमरा तो नीचे का फ्लोर गंदा हुआ ही तो समझ में आता है, ये ऊपर से फाउंटेन की तरफ से आता है, कुछ गड़बड़ है। लड़की लोग इसका कपड़ा उतारो। नहीं नहीं नहीं, मेरी इज्जत मत उतारो। हम तुम्हारा इज्जत नहीं उतारता है, कपड़ा उतारता है, उतारो क्विक। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। दो पड़ गई मान, लड़की लोग ठीक बोलता था कि तुम दूध में पानी मिलाता है, और हमारे सामने भगवान और साईं की कसम खाता था कि तुम दूध में पानी नहीं मिलाता है। आजी कसम तो हम अब भी खाते हैं कि हम दूध में पानी नहीं मिलाते हैं। तो फिर ये सब क्या है? ये पानी है, हम पानी में दूध मिलाते हैं, दूध में पानी नहीं। लेकिन आज से तेरा मेरा धंधा फिनिश। नहीं नहीं मिस दूधवानी, ऐसा अत्याचार करके मेरे कलेजे को अपने पहाड़ जैसे नाजुक पांव के नीचे मत दबाइए, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे क्या बोलता है? मैं क्या बताऊं मिस दूधवानी, मैंने आज तक ये बात अपने दिल में छुपा के रखी, किसी को पता ही नहीं, मुझे आपसे प्यार हो गया है, मोहब्बत, इसीलिए मैं दूध में रोज पानी मिलाया करता था कि आप पी पी कर पतली हो जाएंगी, और मैं एक दिन डोली लाऊंगा, शादी करूंगा। शादी? लड़की लोग इस उल्लू को उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी करो। दूधवानी मेरे पे जुल्म मत कीजिए, अगर आप शादी करेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, आपके ऑफिस के सामने से जनाजा निकलेगा। अरे दूधवानी लगता है खरे राम आपसे प्यार करता है, और सही मायने में आपका आशिक है। अरे छोड़ो छोड़ो, शायद आप जानती नहीं, आशिक की कभी हाय नहीं लेनी चाहिए। अरे इस हाय से तो धरती का सीना फट जाता है, बादल रोने लगते हैं, कयामत आ जाती है, कयामत। अरे नो, अरे यस। मारो दीकरो, मारो प्यारो प्यारो बच्चो, मारो बुढ़ा कहीं का अपने औलाद को परेशान करता है, और उस गाड़ी को मारो डिकरो, मारो डिकरो। ए बमन, आया? मेरे दीकरे का ब्रेक ऑयल लाया? भूल गया। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया? वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पप्पा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है, मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पप्पा जी। जबान लगाता है? सॉरी पप्पा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है? अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा ना लाया? आज ब्रेक ऑयल आना चाहिए, समझे? जल्दी जा।